गैलरी के होम स्क्रीन पर खुद का फोटो कैसे लगाएं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के गैलरी के होम स्क्रीन पर अपना फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और दोस्तों एक बात और कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन के व्हाट्सएप के होम स्क्रीन पर या फिर मैसेज बॉक्स के होम स्क्रीन पर या फिर एमएक्स प्लेयर के होम स्क्रीन पर या फिर कॉल हिस्ट्री डायल पैड या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट पर अगर आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो टोटल सब का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सिंपली आप जहाँ पर देख रहे हैं उसके नीचे देखिए एक सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब के लेफ्ट साइड में एक गोलाकार होगा जहाँ पर मेरे चैनल का लोगो होगा, उस पर क्लिक कर कीजिएगा तो आप मेरे चैनल पर पहुँच जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर कौन कौन सा वीडियो है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम दिखाते हैं। जैसे कि आप मेरे गैलरी में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी फ़ोटो सेट नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपली अब बैक आता हूँ क्योंकि ये मेरा फ़ोन का गैलरी है इसलिए उसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगा, इसके बैकग्राउंड में फ़ोटो देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस ऐप के ऊपर मैं पहले से भी वीडियो बना कर रखा हूँ तो वो कुछ डिफरेंट ऐप से वीडियो था, लेकिन ये कुछ डिफरेंट ऐप से है। और इसमें सिर्फ इतना सा ही फीचर नहीं देगा, ऐसा आपको बहुत सारा फीचर मिल जाएगा जो देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगेगा, देख पाने देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। इसमें आपको ये फीचर नहीं, बहुत सारे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। आप इसके मतलब बैकग्राउंड में गाना भी सेट कर सकते हैं, जैसे आप गैलरी में घुसेगा तो वहाँ गाना प्ले हो जाएगा। तो इसका वीडियो मैं बना कर रखा हूँ इसलिए मैं बताऊँगा ना इसके बारे में, ठीक है। फिर थोड़ा सा इंटरफेस दिखा देता हूँ आपको। उससे सिंपल देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स का क्लियर निशान मिलेगा, आप इसमें 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिएगा। उसको देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूजर इंटरफेस, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा सेट एज बैकग्राउंड। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी फोटो ले सकते हैं बैकग्राउंड में लगाने के लिए, गैलरी से कोई भी फोटो ले सकते हैं। उसके बाद सिंपल अगर आप कलर रखना चाहते हो तो कलर भी यहाँ चूज कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर कौन सा देना चाहते हैं आप बॉर्डर दे सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे इसमें दिया गया है, तो इसका भी मैं वीडियो बना चुका है इसलिए इसमें नहीं ज़्यादा बताऊँगा। सिंपल इतना बता दिया कि आप अपने गैलरी में किस तरह से बैकग्राउंड में फोटो लगा सकते हैं। तो उस तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलता है।